गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डायफिट ब्लॉग्स में। एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे, वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग ए यूट्यूबर। यूट्यूबर बनने का क्या क्या डिसएडवांटेजेस है वो आप लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी है और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोग को शेयर करूँगा। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है आपके समय बहुत बर्बाद होता है, आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा इसमें और रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। इनिशियली 2-3 साल तो आप भूल जाइए कि आप कुछ पैसे भी कमाएंगे। तो समय बहुत बर्बाद होता है, नंबर वन, रिटर्न में कुछ पैसे नहीं मिलता है, ये हो गया पहली बात। और जब आप इतना समय देंगे, इतना मेहनत करेंगे और रिटर्न में कुछ नहीं आएगा तो दूसरी बात, ज़्यादातर लोग जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, एनजाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है। तो एक यूट्यूबर को बहुत स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, शायद आप लोग को पता नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर लोग जो है वो सिर्फ दिखावा करते हैं, बताते नहीं हैं। तो रियलिटी में बता रहा हूँ, ये दूसरी डिसएडवांटेज है। तीसरी डिसएडवांटेज ये है कि आपके पैसे बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाते हैं, आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, GoPro, कैमरा, माइक, हेलमेट, गियर्स और ना जाने क्या तामझाम आपको ख़रीदने पड़ेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो स्टार्टिंग में आपको बहुत खर्चा आएगा, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा खर्चा होगा आपको और ये एक डिसएडवांटेज है क्योंकि आपने इतने पैसे लगा दिए और पैसा कुछ आ नहीं रहा है, तो ये तीसरा डिसएडवांटेज है। चौथा डिसएडवांटेज जो है, आपको बहुत सारे मेहनत करने पड़ेंगे, आपको बहुत सारे चीज़ सीखना पड़ेगा, एडिटिंग क्या है, SEO क्या है, कैसे मार्केटिंग करते हैं, कैसे एल्गोरिदम होता है, आपको 50 चीज़ और सीखने पड़ेंगे तो और टाइम वेस्ट होगा आपका, तो ये एक और डिसएडवांटेज है। और जो फाइनल डिसएडवांटेज जो मुझे लगा वो है कि जैसे ही आप थोड़ा फेमस हो जाते हैं, भले ही आप पैसे कमाएं ना कमाएं, जैसे ही थोड़ा फेमस हो जाते हैं तो लोग आपको जानने लगते हैं और बहुत सारे आपके दोस्त भाई बहन होंगे जिसने आपको कभी फ़ोन नहीं किया, आपके हालचाल कभी नहीं पूछे, वो अचानक से मैसेज करेंगे, फ़ोन करेंगे और पैसा मांगने लगते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है यूट्यूबर का, क्योंकि आप यूट्यूब में सारे चीज़ अपना खोल के बता देते हो कि आपने ये खरीदा वो खरीदा दिखाने के लिए, और फैक्ट भी है लेकिन एक्चुअली उनको ये नहीं पता होता है कि आप खर्चा कर रहे हो। कई बार लोन लेके खर्चा करते हो तो उनको ये नहीं पता है, लेकिन उनको लगता है आप खर्चा कर रहे हो तो आपके पास बहुत पैसे होंगे। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि लोगों को लगता है आपके पास बहुत पैसा है, ऐसा यूजुअली होता नहीं है, सारे यूट्यूबर के साथ, गिने चुने यूट्यूबर के साथ ही होता है और लोग पैसे मांगने आ जाते हैं, रैंडमली पैसे मांगने शुरू कर देंगे आपको कोई भाई कोई बहन। और ख़ास करके मैंने ये देखा है कि जो आपके दोस्त हैं ना वही ज़्यादातर आपसे पैसे मांगने लगते हैं, कई बार रिश्तेदार भी आ जाते हैं, मैंने खुद फेस किया है ऐसे और बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी मैं जानता हूँ जो ये फेस करते हैं, उनको पैसे मांगने लगते हैं रैंडमली। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है यूट्यूबर बनने का। तो अगर आप भी यूट्यूबर बनने का सोच रहे हो तो ये सारे डिसएडवांटेजेस है आप लोग को पहले से पता होना चाहिए, और उसके बाद फिर भी आप अगर यूट्यूबर बनना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, यहाँ पे आप पैसे कमा भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बहुत तरीके हैं पैसे कमाने का, यूट्यूबर्स अलग अलग तरीके से पैसे कमाते हैं और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और आप भी कमा सकते हो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है यूट्यूबर के। तो इसी मैसेज के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस ब्लॉग को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।